गूंज के दीवाने, गूंज के दीवाने में आ गया दीवाना राजेश और सामने पता नहीं कहाँ सुमन यही बैठी हूँ। ओ हो, इसी कार्यक्रम में, कार्यक्रम का नाम गूंज के दीवाने और हम सब हैं रेडियो गूंज पे जो आता है 90 MHz पे। और है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किसके लिए? वैशाली जिला वासियों के लिए। जी जी, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है रेडियो गूंज पर राजेश और सुमन की, उनके लिए गूंज के दीवाने ये कार्यक्रम चुटकुलों पर आधारित, गानों पर आधारित और आपके फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम है जो हम हमेशा लेकर आते हैं। रेडियो गूंज FM 90 MHz पकौली रजासन बिदुपुर कहाँ वैशाली से, वैशाली का, वैशाली का। बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, बड़ी खुशी हुई है मुझे जानकर। मैं अच्छी ही बात कहता हूँ। जैसे कि किसी को पता ही नहीं है कि बिदुपुर वैशाली में है, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि रजासन वैशाली में है। हो गया, हो गया, अरे हो गया, हो गया। आगे बढ़ाओ, नंबर बताओ, आगे बढ़ाओ, नंबर बताओ। और ये कहना चाहते हैं कि हम ये दो नंबर्स बताने जा रहे थे और आप तो बीच में चे चे। अरे आगे बढ़ाओ, नंबर बताओ। नंबर नोट किया जाए, 9835039435 और दूसरा नंबर है 83406। बोलो ना, अच्छा तुमने कहा था, मैं रिपीट किया और मैंने कहा रिपीट करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया था, बट मैं कर दूंगी अभी। 83406 86641 86641, इस नंबर को दोबारा बोल दें प्लीज। हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए, 83406 86641। और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अब मेल भी कर सकते हैं, radiogoonj2023@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं अपने रेडियो गूंज को। और अगर आना चाहें तो रेडियो गूंज FM 90 MHz का कार्यालय, ऑफिस है, स्टूडियोज है पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली में। अच्छा, और मेल तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल मेल कर सकते हैं, शरीर चाहें तो मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, तो ये भी बताना था ना, हमें भी बुला सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। अच्छा, तो हम तो उनके पास पहुँच सकते हैं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, बिल्कुल। और अगर इनका बर्थडे है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम है, तो हम इनकी खुशी में अपना टेप रिकॉर्डर लेके भी जा सकते हैं और सीधे सीधे कार्यक्रम भी बजवा सकते हैं। क्या बात है, यानी कि हम पूरी तरह से आपकी जिंदगी में ना शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हो रहे हैं, आप जैसे चाहे हमें शामिल कर सकते हैं, स्वीकार करें, ये आग्रह है हमारी तरफ से, ये आग्रह है बिल्कुल। और हम बिल्कुल पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल, आपके पसंद की बातें करने के लिए, आपके पसंद के गाने सुनाने के लिए और चुटकुलों से आपको गुदगुदाने के लिए। अब शामिल करने वाली बात हमने क्यों कही पता है? क्या कही? महुआ रोड से शकीना अंजुम का फोन कॉल आया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पूरी गूंज की टीम को अगर हम अपने गांव में बुलाना चाहें तो क्या आप आएंगे? बताइए, मेरे कहने का कहीं ना कहीं कुछ मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेवजह बातें तो राजेश कभी करते नहीं। तो बताइए शकीना अंजुम जी को, जिन्होंने पूछा है कि अगर सारी टीम को हम बुलाना चाहें अपने गांव में, ये महुआ रोड से बोल रही हैं, फोन कर रही थी, तो क्या आप जाइएगा सुमन जी? क्यों नहीं जाएंगे, हमें तो इतनी खुशी होगी। हाँ। आपको समझ में आ रहा है इन्होंने कितनी बड़ी बात अच्छा, कही ए, है? एक अंजुम जी को एक बात हम कहना चाहते क्या हैं, कहना चाहते हैं कि हम अपने साउंड रिकॉर्डिस्ट मधु के साथ, हाँ, तुम्हारे साथ, हाँ, यानी सुमन के साथ, हाँ, हाँ, और मैं खुद, हाँ, तीनों वहीं जाके प्रोग्राम कर ले अगर गूंज के दीवाने, तो कैसा रहेगा? कितनी बार तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं चले क्या? बिल्कुल चलेंगे, और जब भी आपका दिल करे हमें फोन कीजिए और दोनों का तालमेल बैठ जाए, आप हमें फोन करें, हम लोग अगर फ्री हो तो जरूर आ जाएंगे। एग्जैक्टली, बात सिर्फ यहीं पे आएगी जब हम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, जी, कि जी, आपने जी जब कहा तब हम अवेलेबल हो तो हम जरूर आना चाहेंगे। बात रिपीट करने की आदत है सुमन, नहीं है, जरा भी नहीं, नहीं है, जरा भी नहीं, आपको ये पता है जिस तरह से जब हमने कह दिया तो स्टाइल में बोलने की क्या जरूरत है? मैं जब तक स्टाइल में नहीं बोलूंगी ये कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा। चलो गाना सुनो, गाना 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 या चुटकुला? चलो चुटकुला ही सुना दो। अच्छा वो कौन सा तुम 32 गुण वाला चुटकुला जो मुझे सुना रही थी? वो सारे 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 लोगों को 32-36 कितना था? 36 गुण वाला। हाँ सुनाई सुनाई चुटकुला। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी ने कुंडली मिलाई और 36 के 36 गुण मिल गए। तो दोनों टीम ने कहा होगा वाह। अफसोस लड़के वालों ने मना कर दिया। क्यों? अरे क्यों, क्यों? लड़की वाले वाकई हैरान, जैसे आप हैरान हैं। हाँ, हाँ। कि हुआ क्या? हाँ। जब सारे गुण मिलते हैं, हाँ, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? हाँ। ऐसा होता कहाँ है?
है? तो लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, तो क्या बहू भी उस जैसी लेकर आए? हमारे ऊपर भी हंस लीजिए ना, सुमन तो कहती है मेरे ऊपर हंसते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फिलहाल इसलिए हाँ। क्योंकि अगर हम किसी के हंसी का कारण बनते हैं तो मुझे इस बात की खुशी है, तो आपकी जिंदगी खुशहाल। जी जी, तो इतना सीरियस होके बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुश होके भी बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा है राजेश। सुनाओ 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 गाना, कौन सा गाना है? अपलम चपलम अपलम चपलम अपलम चपलम खत्म हो गया, आ जाइए प्रोग्राम के अंदर, वापस आ जाइए, आ जाइए। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज़ पर गूंज के दीवाने कार्यक्रम चल रहा है। ये नोक झोक जीवन की खूबसूरती है, इसे चलते रहना चाहिए। बर्तन है तो खटकेगा ही, है ना? और अगर खटके नहीं तो फिर बहुत बोरिंग। अच्छा, बर्तन जब खटकते हैं तो उसमें से भी तो संगीत ही आता है, और संगीत ही जिंदगी है। और नहीं, आप ये भी तो है ना, जैसे जल तरंग की कहानी जो होती है, जल तरंग है ये भी तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। हाँ, अलग अलग साइज की कटोरियों में पानी भर करके डिफरेंट क्वांटिटी पानी का रहता है और उसको भी बजाया जाता अलग है, अलग अलग तरीके से ठोका जाता है। एग्जैक्टली, कितना खूबसूरत उसमें से म्यूजिक निकलता है। तो जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, तो हम तो लड़ाई झगड़ा करते हुए और हंसते खेलते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और हम चाहते हैं कि आपके मैसेजेस हम हमेशा पढ़ते रहें। मैसेजेस पढ़ेंगे, और अगर आपके घर में भी छोटी मोटी तकरार हो जाए तो इसकी चिंता नहीं कीजिएगा, जो हुआ सो हुआ, बीत कर आगे बढ़ जाइएगा। रामभूषण सिंह का ये SMS है, SMS किया है, SMS जड़ुआ से। क्या कह रहे हैं जड़ुआ से? भोजपुरी गाना आधे घंटा काहे सुनाते हैं? हाँ, उसको थोड़ा और ज्यादा सुनाइए। ये बात फिलहाल मामला ये है रामभूषण जी कि जड़ुआ के आप रहने वाले हैं, अभी जितना आधे घंटे का प्रसारण हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। आपके फरमाइश को हमने नोट कर लिया है, जब भी मौका आएगा हम और बढ़ाएंगे समय। फिलहाल सुमन, कौन सा चुटकुला है, चुटकुला सुनाइए, और जरा हंसने का मौका दीजिए रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज के हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस वक्त गूंज के दीवाने। अच्छा सुमन, वाकई सुमन सुनाओ चुटकुला। अरे चुटकुला सुनाओ ना। हाय, हाय, मतलब ऐसे बता तुम तो मने ऐसे बोल रहे 90 मेगाहर्ट्ज़ हाँ, पर सुनने वाले तुम तो ऐसा बिहेव करते हो कि जैसे चुटकुला तुम ही हो रहे हो, गजब हालत। क्या बात है राजेश, कुछ भी कह देना है। 12 साल बाद वो जेल से छूटा, मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। अच्छा ठीक है, वो कोई हाँ, अरे कोई हाँ, हाँ, हाँ। घर पहुंचते ही बीवी चिल्लाई, हाँ। कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? हाँ। कहाँ घूम रहे थे? हाँ, अच्छा? इतनी देर? हाँ। आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले हुई थी। हाँ। कहाँ थे? वो आदमी वापस जेल चला गया। ये पत्नियाँ भी जो है अच्छा खुश होना चाहिए, हंसने के बजाय साथ साथ ये भी खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो इतनी फिक्र कर रहा है। फिक्र कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्र कर रहा है। और निश्चित रूप से हंस तो लिया हमने, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपके बारे में कोई पूछने वाला है इस धरती पर, है ना? अच्छा लगा फिलहाल, और भी अच्छा लगे, और गाना सुनने का मौका आ गया। लेकिन उससे पहले एक बार नंबर बता दीजिए सुमन जी। कल बिल्कुल श्रोतागण, नंबर नोट किया जाए 8340686641 और 9835039435 ये व्हाट्सएप वाला नंबर भी है। और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगी radiogoonj2023@gmail.com और रेडियो गूंज की स्पेलिंग क्या होगी? RADIO रेडियो गूंज GOONJ 2023@gmail.com। पूरे 100 नंबर सुमन को दिए जाते हैं। चलिए अब गाने की बारी आई, गाना सुनाया जाए जल्दी से फटाफट। हमारे साथी जो है गाना सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं, बेकरार है, तो हम उन्हें बहुत ही अच्छा वाला एक गाना सुनाते हैं जो आजकल हैवी ड्यूटी ट्रेंडिंग गाना है। कौन सा?
एक गाना पहले आया था, सिहाले मस्किन आया था। अब नए तरीके से इसको सुनिए, इसी गाने को सुनिए, सुनाइए। याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे, मैं दिल को समझा लूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये गाना। और अब आपको बताएं, एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा व्हाट्सएप है हमारे पास, जिसमें हमारे पूरे कार्यक्रम के विषय में बताया है हमारे एक साथी ने। ये है राजू। हाँ, राजू गुप्ता हैं, राजू ज्वेलर्स फुलहारा, है ना? अच्छा, फुलहारा से। हाँ, इन्होंने ये लगातार लिखते रहते हैं। इन्होंने इस बार एक लंबा चौड़ा व्हाट्सएप भेजा है कि आपका सभी प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है, जितना कहूँ कम है। आपने जो जिला को जागरूक करने के लिए चाहे, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई अभियान से संबंधित है, आपका पूरा जिला आभारी है। आप एक सच्चा समाज सुधारक भी हैं राजेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? एक रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ते प्रदूषण एवं पानी बचाने से संबंधित कोई नाटक बनाकर बीच बीच में प्रसारित करते रहें, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। मेरा तो सुझाव है कि हर बर्थडे पर एक पेड़ पौधे जरूर लगाएं, पानी जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें, आज की बचत कल की सुरक्षा। आगे लिखते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता था राजेश भैया, मैं एक दिन जब बैठा था मैंने अपने मन से 90 मेगाहर्ट्ज सर्च किया तो पाया कि अरे वाह, अपने जिले में भी रेडियो स्टेशन खुल गया, बहुत खुशी हुई। ये राजू हैं जो लिखते हैं। अब आप जवाब देंगी या मैं जवाब दूं, ये बताइए फटाफट। देखिए, राजू जी ने इतनी सारी बातें कही हैं और इसको कहते हैं ना कि दिल से इन्होंने लिखा है, और हमारा पूरा कार्यक्रम सुनते हैं और सब कुछ ध्यान से सुनते हैं। मुझे इस बात की इतनी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी श्रोतागण नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, पर ये एक एक चीज को लेकर विश्लेषण करके लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया, पानी बचाने वाले बात को बिल्कुल, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जो बात कही है कि बर्थडे पर पेड़ लगाया जाए तो काबिले तारीफ। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि कोई तो है और कई सारे लोग होंगे आप सबों के बीच में जो इतनी अच्छी बातें सोचते होंगे। आज उन सब के रिप्रेजेंटेटिव बनकर राजू जी ने ये बात कही है। हमारा फर्ज बनता है हम इन चीजों को फॉलो करें, और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हमें लोग इतना सीरियसली सुनते हैं। Yes. और हमसे एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये भी कही है, राजेश सजेशन दिया है उन्होंने कि एक छोटी सी नाटिका बनाकर की जाए जो बीच बीच में चलाया जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा होगा, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ये जिम्मेदारी सुमन हम आपको देते हैं इसी कार्यक्रम में, उनको पता चल जाए कि आप छोटी सी नाटिका 5 मिनट की जल बचाओ पर आप लाएं, और मेरी आवाज अगर चाहिए होगी तो हम भी दे देंगे उसको। मैं देखूंगी आपकी आवाज की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है राजेश। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चुटकुलों की बारी है, फटाफट चुटकुला सुनाइए। कौन सा चुटकुला है? बहुत ही अच्छा वाला चुटकुला है। बहुत ही अच्छा वाला चुटकुला है। कौन सा? टीचर ना चिंटू से बहुत घना परेशान थे। अच्छा, चिंटू से परेशान था बहुत ज्यादा। टीचर ने कहा, चिंटू अपने बैग से सारी किताबें निकालो। अच्छा, चिंटू अब टीचर ने कहा तो चिंटू ने बात मान ली, निकाल नहीं सर। तो टीचर ने कहा, ये वाली किताब किसकी है? तो चिंटू ने कहा, कागज की है सर। टीचर ने कहा, ये तो मुझे भी पता है कागज की है चिंटू। तो चिंटू, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं सर? रियली ये बात बाद में हंसने का है ना, क्योंकि अभी चिंटू की शरारत पर मैं सोच रहा हूँ और हंस रहा हूँ कि टीचर को कैसा बेवकूफ बनाया उस बच्चे ने। खैर, बच्चों से बचकर रहना चाहिए और बच्चों के सवालों से बचकर रहना चाहिए। नहीं, बट बच्चों के सवालों को प्रमोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो सवाल पूछेंगे। जिज्ञासा आगे आएगी तो मन में सवाल अगर आते हैं तभी तो वो सोचेंगे, उनके सोचने समझने की शक्ति आगे बढ़ेगी, कैपेसिटी। हाँ, मौका मिला कि मौका मिला नहीं कि भाषण देना चालू,
गाना तो सुन ही लेंगे। फिलहाल एक नंबर नोट कर लिया जाए कि अगर आपको कोई गाना स्पेसिफिकली सुनना है हमारे इस कार्यक्रम गूंज के दीवाने में, तो आप सुन सकते हैं, अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट किया जाए 9835039435। अच्छा, इतना जल्दी बोलोगे तो कोई नोट कर पाएगा क्या? 9835039435 8340686641। सही है, दोनों खुश। सही सही खुश। अब गाना, अब गाना सुन लें। हाँ, गाना बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया, जो तेरे ना हुए किसी के ना रहे, के अब ना किसी हो गया खत्म है और कार्यक्रम का समय भी भागता जा रहा है। सुमन, कैसे वक्त निकल जाता है लोगों से बात करते करते, पता ही नहीं चलता। एक बार क्या हुआ पता है? क्या क्या क्या? ताकि समय आगे नहीं भागे। हाँ, चिंटू जैसे ही एक बच्चा घड़ी की सुई को पकड़ कर लटक गया था। लेकिन यहाँ ना हम ना तुम कोई भी घड़ी की सुई को पकड़ कर लटकने वाले नहीं है। फिलहाल कर भी नहीं सकते। फिलहाल चलते चलते अगर फटाफट अगर कोई लतीफा है तो सुना। बोल तो दिया, इतना मजेदार था। अच्छा, ये लतीफा था। तो गाना सुनवा दिया जाए तो कोई गाना सुनवा दिया जाए। और ये वाला गाना एक सरप्राइज गाना है। मैं कौन सा नहीं बोलूंगी। अच्छा, गाना बजेगा तब सुनेंगे। जी हां, बिल्कुल सुनिएगा पूरे वैशाली वाले। चले तब
क्योंकि हम निकल जाएंगे आगे और गाना, हाँ, गाना बजता रहेगा। फिलहाल हम लोग रास्ते में सुनेंगे, निकलते हैं, स्टूडियो की घड़ी और इजाजत नहीं दे रही है, गाना थाम के, क्योंकि अभी बताना है नंबर 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। कार्यक्रम है गूंज के दीवाने और ईमेल आईडी बताती हूँ ना, मतलब हद आ रहा है। अरे समय नहीं है, गूंज के दीवाने आ रहा है आपके पास रेडियो गूंज पे 90 MHz पे, और ये रेडियो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ वैशाली जिला के लिए है, वैशाली वासियों के लिए है। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी बातें, मन की बात अगर बहुत लंबी हो जाए तो चाहे तो ईमेल कर दें radiogoonj2023@gmail.com radiogoonj2023@gmail.com। चलें गाना सुनते हैं। नमस्कार आपको करते हैं श्रोताओं, मिलते हैं आपसे अगली बार, गाना सुन ले, गाना सुनते निकल चलते हैं। राजेश पता है, हाँ चलो। कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर।